हैप्पी होली सड़ेली। पर मेरा परिवार तो दिवाली मना रहा है। तो वेल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील वायरल एंड होली। ये वीडियो है रजत पवार की, और आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुरा न माना, होली है। एंड फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और तू जितनी तेज चिल्ला रही है, पूरे ऑल इंडिया का परिवार तुझे सेम टू यू विश भी कर देगा। कचर कचर, और तू चिल्ला चिल्ला के हम सबके कान खा जा। भूखी और सूखे आम की सड़ेली गुठली, इतनी तेज तेज मत चिल्ला, वरना कोई तेरे साथ होली नहीं खेलेगा। फिर अकेले कैसे खेलेगी होली? अरे मैं तो इसको ऐसा वैसा समझ रहा था, इसके दिमाग की बत्ती में तो बहुत ज्यादा वॉट का बल्ब लगा हुआ है। मतलब कितना दिमाग होगा जो एक साथ चप्पल और कलर दोनों मार ले रही है खुद को। वैसे मुझे लगता है ये सजा दे रही है खुद को, ये जो उल्टी सीधी हरकतें करती है। और इन हरकतों की वैसे अगर तेरे पास दोस्त नहीं बचे तो मैं तेरे को एक बंदा सजेस्ट करता हूँ, इसके साथ होली खेल। तू वहां निकला, मैं भी फूलों को छोड़ के रंग लगा दो माली में, और इस चमकीले भोपू को पकड़ो और फेंक दो किसी नाली में। एक और मम्मी जब छीलने को देती है तो खा जाता हूँ आधी मटर। तुम्हें जहाँ भी ये चमन ततैया दिखे फेंक दो इसको इन द गटर। और दोस्तों सर्दी हो रही है, गला बैठा हुआ है, फिर भी चीख चीख के कोशिश कर रहा हूँ उसके बराबर करने की। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चाय पीना है तो कप में पियो, प्याली में क्या लगा है? होली करना है तो ताली के साथ क्या बॉबी में क्या लगा है? पर भाई अब मैं होली खेलूं कि तेरी ये पहेलियां डिकोड करूं? है समझ ही नहीं आ रहा किसमें क्या रखा है किसमें क्या नहीं रखा है। तू थोड़ा देख के चिल्ला चोट करके होली खेलना, वरना पता लगा आसपास से आता जाता आदमी तेरे में रख जाए। कहने दी कुतियों ने बदल देंगे आपकी जोली। पर इतनी सारी कुतियों का करूंगा क्या मैं? और पूरे घर में हत्ती भी फिरेंगी, वो तू साफ करने आएगा? और इतनी सारी मेरी झोली में तू कुतियां डालेगा तो मेरी झोली फट जाएगी यार। इसकी भाषा तू ही समझ सकता है, सेम बिरादरी के है ना दोनों। उपट हो गया। कहने दी कुतियों ने बदल देंगे आपकी जोली, मेरी तरफ से हैप्पी होली। अरे तेरे को भी हैप्पी होली भाई। अच्छा रुक जा, तेरे स्टाइल में बोलता हूँ। रंग कच्चा मत लगाओ, लगाओ पक्का कलर। रंग कच्चा मत लगाओ, लगाओ पक्का कलर। बस आंखों को देख के लगाना, वरना दुनिया हो जाएगी ब्लर। हाँ मैं तो कीचड़ में लोटा लोटा के मारू होली के नाम पर। और गले में कलर जाने की वैसे आवाज बैठती थी लोगों की, इसकी तो आवाज और बुलंद हो गई। ये स्पीकर कैसे फट गया बहन? मैं ना खेलू तेरे साथ होली? और मेरे को डर इसकी होली से नहीं, मुझे इसकी चिल्ला चोट से डर लगता है। पता चला होली खेलने गया, मेरे कान में एक होल लेके आ रहा हूँ। तो भाभी के साथ होली खेलेंगे। भाभी पेंगुइन? पर पेंगुइन होली क्यों नहीं खेल सकते? खेल सकते वो भी, पर सही बात है, ऐसा अगर देवर होगा तो पेंगुइन क्या डायनासोर डर जाए उससे? भाभी हमको तो तुम्हारे साथ ही होली खेलना है। भाभी अबे ये कैसी आवाजें निकाल रहा है? अगर मुंह इतना आ रहा है तो जाके पहले फ्री होके आ जा, इतना भी जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है होली खेलना। ना नक्को बिल्कुल नहीं, पैंट में मुंह देगा अभी भाभी के सामने। आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं क्या करने लग गया। मैं कर रहा था क्रिकेट के बिगेस्ट इवेंट की तैयारी। जी हाँ, आईपीएल सीजन स्टार्ट हो गया है, और आपको तो पता ही है कि इंडिया और पूरे देश दुनिया के लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं। और परी मैच पर मेरे दोस्त की मदद से आप सिर्फ इस बार दर्शक ना बने आईपीएल के, आप बल्कि उस एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट भी करें। आप अपनी प्रेडिक्शंस प्लेस कर सकते हैं हर सिक्स, हर विकेट, हर बाउंड्री पर। जी हाँ, क्योंकि अब मौका आ गया है पैसे जीतने का जब दूसरे लोग खेल रहे हैं। और आपको तो बस विनर को प्रिडिक्ट करना है, अपने फेवरेट प्लेयर के लिए चीयर्स करना है, और अपनी जीतने की एक्साइटमेंट को फील करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि परी मैच ही मेरी चॉइस क्यों है, बिकॉज दे ऑफर द बेस्ट विदिंग ऑड्स, और ये पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट विड्रॉल भी देते हैं। और साथ में यहाँ पर हर हफ्ते बहुत बढ़िया बढ़िया गिव अवे और टूर्नामेंट भी होते हैं, जहाँ पर बोनसेस एंड प्राइजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आईपीएल की टिकट भी मिल सकती है। जी हाँ, तो अभी और अपना टाइम देखने में वेस्ट ना करें, इट्स टाइम टू विन। बट एक मिनट, सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल परिमैच ने प्रिपेयर किया यूनिक डिलीशियस बोनसेस, 250% अप टू योर डिपॉजिट प्लस फ्री बेट्स हर न्यू यूजर के लिए। तो इसको अभी क्लेम करें विद फ्यू क्लिक्स बाय यूजिंग माय लिंक। तो अभी परिमैच ज्वाइन करें और जीतना शुरू करें, और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगी। भाभी हमको तो खेलना है। आधा कलर तो इस भाभी की पायल से टूटे हुए घुंघरू ने खुद को ही लगा लिया ऐसे ऐसे करके, और भाभी खुद को बना के इसने तो खुद के साथ बदतमीजी कर ली। पर कुछ लोग होते हैं जो भाभी के साथ होली खेलते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं होली के नाम पर। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे,
अरे फूटे हुए चने में से निकले कंकर के दाने तेरी भाभी है, वो तेरी गाड़ियों की चाबी नहीं है जो इधर उधर फेंक रहा है। एक तो त्योहार के नाम पे बदतमीजी करने वाले लोग ना बकरी की लेंडी की तरह होते हैं, इतने इतने से हैं पूरी दुनिया में फैले हुए और बस गंदगी मचा रहे हैं। तीन भाभियां हैं, एक देवर है जरा सा, और तीनों भाभियां बस भैया के प्रेम के कारण चुपचाप बैठी हुई हैं और झेल रही हैं इसको, वरना तीनों पकड़ के ऐसा गटर में फेंकती इसको कि होली ही खत्म हो जाती है इसकी, और वो पीछे खड़े ताली बजाने वालों को और बढ़िया एंटरटेनमेंट मिलता। बाकी ये जो देवर है घर में देवर है, बाहर जाके ये भी भाभी बन जाता है। बुड्ढे अंकल को दिख भी नहीं रहा कि वो जिसको भाभी समझ के कलर रगड़े जा रहे हैं वो भाभा है अंदर से, और इसके सही है सारे रिश्ते के मजे ले लेता है ये। देवर बन के कलर लगा दो, भाभी बन के कलर लगवा लो, थोड़ी देर में भैया बन के घर में बैठ के पेपर भी पढ़ लेगा। ताजा खबर। बाकी दोस्तों ये भाभी देवर की होली कुछ भी नहीं है, लड़कों की होली के सामने जब वो होली खेलते हैं ना तो ऐसी हैवानों सी होली खेलते हैं। मोबाइल फेस आईडी लेना बंद कर देता है, शर्ट फट जाती है, कपड़े तार पे टंगे होते हैं, चड्डी में हाथ डाल के पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है, और कुछ लोग तो कलर से मंजन भी करवा देते हैं। चारी बहन को दूसरे प्लेनेट का जादू बना दिया, ये धूप से चार्ज नहीं होगी, अब इसको 2 घंटे नाले में बैठना पड़ेगा चलने के लिए, और इतना ज्यादा नीला कलर उसके दांत पे रगड़ दिया है कि 3 महीने तो स्माइल करने में घबराएगी वो, कि पता लगा दांत खोले सफेद की जगह नीला चमक रहा है। और बेचारे कुछ लोग तो इतने अकेले होते हैं कि खुद के साथ होली खेलना पड़ता है। मैंने तो एक कच्चे रंग के नाम पे कमजोर गुलाल नहाने के लिए बैठा है लिपस्टिक और मेकअप लगा के, ऊपर से चूड़ी कंगन भी पहन के नहाएगा, इसको उल्लू बनाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, ये खुद को उल्लू बना लेता है साबुन के ऊपर कलर लगा के ला 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 ला। अगले इससे अच्छा वही साबुन के पैसे किसी गरीब को देता तो वो होली खेल पाता, देख कितने परेशान है गरीब। माँ इस बार भी हमारा गुलाल नहीं बिकेगा क्या? बेटा हम लोग काम कर रहे हैं ना, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है आंटी समझ गया, आप गरीब हो पैसों की जरूरत है, पर अगर मार्केट में जाके दुकान लगाओगे तो शायद गुलाल बिक भी जाएगा, ये घर के बाहर कौन आएगा गुलाल खरीदने। आंटी आंटी कलर ले लो। तुमसे कलर लेकर क्या मैं अपना फेस खराब करूंगी? मार्केट से अच्छा कलर खरीद कर लाऊंगी, गरीब कहीं की हा? यार पर बात तो सही बोल रही है वो बेचारी, रोड पे से कलर लेके अपनी स्किन क्यों खराब करेगी। यार कितना बुरा हूँ मैं, गरीबों का साथ क्यों नहीं दे रहा, सॉरी दोस्तों। अरे वो आ गई, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। अरे इसको तो लगा मैं गरीब को रंग लगाऊंगी। अरे तो गरीब के घर में पानी नहीं आ रहा क्या जो उसको कलर नहीं लगाएगी? ये लोग गरीब से दोस्ती क्यों करते जब उसके साथ ऐसा भेदभाव करना होता है? पर गरीब मेरे भाई तू भेदभाव मत करना, तू तो जा और लगा दे एक कान के नीचे। अमीरों का होली? ए थम्बा थम्बा, पर तू तो गरीब था अभी 2 मिनट पहले, तुझे कैसे पता अमीरों का होली कैसे खेला जाता है? अब हमारा होली दोस्तों गरीबी कारण नहीं था, इसी वजह से इस गरीब के साथ होली नहीं खेल रही थी वो बिचारी, ये कलर लेके भाग जाता है रंग लल्लू। ठीक है सब समझ गया मैं, गरीब लोग हैं कलर बेच रहे हैं पैसे नहीं हैं, आंटी अंधी हैं, पर ये इतनी देर से हवा में ढूंढ क्या रही है? मतलब खुद की तो दुकान है बैठ जाओ, ये पियानो बज रहा क्या? गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। ठीक है दोस्तों पर एक बात तो है कि आंटी की साड़ी वो जितने भी कलर बेचने बैठी है ना उन सबसे महंगी है, मैं बता रहा हूँ। मम्मी कल होली और हमने अभी तक होली वाले कपड़े नहीं लिए हैं। हाँ मम्मी अगर शाम तक ये सारे गुलाल बिक जाएंगे तो आप हमें कपड़े लेके दोगी ना? हाँ बच्चों। अबे ये कैसी मम्मी है और ये कैसे बच्चे, होली के कपड़े क्यों चाहिए? होली पे कौन नए कपड़े पहनता है? फटे पुराने कपड़े ढूंढो अपने घर जाके वो पहनो, ये नकली गरीब है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ मैं हूँ असली गरीब, इतना पुराना कपड़ा फटा हुआ पहनता हूँ कि वो बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिमाग खराब ना हो दिक्कत ना हो जिंदगी में, हम शुद्ध गरीब है। पर दोस्तों मैं जो गरीब हूँ ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। ये कलर कितने का है? 20 का एक है, कितने चाहिए? पागल हो गया, रोड से चीजें लोगे? हम मॉल जा रहे हैं ना वहाँ से ले लेंगे। अरे दीदी रुक जाओ ले लो दीदी। दीदी लगता है ऊपर वाला चाहता है कि इस बार हम होली नहीं मनाए। होली कैसे मनाएंगे का क्या मतलब है? सामने पड़े कलर उठा ले लगा ले एक दूसरे को, मन गई होली? या फिर तुम लोगों की होली गुजिया पपड़ी के बिना बनती ही नहीं है? भाई मेरे खुद के घर जब तक मम्मी का मूड नहीं होता ना जब तक गुजिया पपड़ी नहीं बनती, और मम्मी का मूड नहीं हुआ तो बिना गुजिया पपड़ी जाती है होली हमारी तो। नहीं नहीं छोटे, ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना बेरहम नहीं हो सकता, हम लोग देख लेना जरूर होली मनाएंगे। ये कलर कैसे दिए? हाथ से दिया अंकल, हाथ से।
बहन मैं तुम्हें होली पार्टी में छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा होली मत खेलना। अरे कैसी बात कर दी भैया, होली में कोई होली थोड़ी मनाता है, दिवाली मनाते हैं। लाओ इसकी बहन के हाथ में कोई अनार चक्री पकड़ा दो, इसके सर पे रख के जलाएगी। ये होली में इतनी सफेद कैसे घूम रही है? मैंने भी कलर लगा के आया। क्या हो रहा है? पर इसको अगर होली खेलना पसंद नहीं है तो ये होली की पार्टी में क्यों आई है? और अगर इसको पसंद नहीं है तो इसका वो चार मीनारी चबूतरा भाई जो था वो ऐसे चेतावनी देके क्यों गया था जैसे नाली में लोट मार के होली खेलती होगी? भाई साहब दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में है।